हेलो, दिस इज़ डॉक्टर राधिका और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम आज फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में, जो कि ये डिस्कस करेंगे उसमें कि डीएनए जो है एक जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, हम तो जानते हैं कि डीएनए इज़ अ जेनेटिक मटेरियल, बट ये प्रूफ कैसे हुआ था, किस तरीके से एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए थे, ये पता करने के लिए कि हाँ, बॉडी में डीएनए ही वो मटेरियल है जो कि जेनेटिकली एक जो जनरेशन है उस जनरेशन से दूसरी जनरेशन में फॉरवर्ड होता है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले डीएनए, व्हाट डू यू मीन बाय डीएनए? डीएनए इज़, आप सभी को पता है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इट्स फुल फॉर्म इज़ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, सो डीएनए इज़ अ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इट मीन्स ये ऐसा न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, जिसकी राइबो शुगर में ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, ये कहाँ पे एब्सेंट होता है ये आगे हम डिस्कस करेंगे। जब डीएनए का स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे तब वहाँ पे देखेंगे कि राइबो शुगर का स्ट्रक्चर क्या है, उसमें किस तरीके से ऑक्सीजन किस पोजीशन पे एब्सेंट होती है, जिस वजह से हम इसे कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और हम आरएनए को क्या बोलते हैं? आरएनए को बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है वो एब्सेंट नहीं होता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल कब पता चला, किस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स के बाद में ये सारी चीज़ें मालूम हुई? ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि डीएनए जो है एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो डीएनए इज़ अ मॉलिक्यूल जिसमें वो क्या करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं इन कोडेड फॉर्म, कोड्स के फॉर्म में डीएनए जो है इन्फॉर्मेशन कैरी करके जाता है। ठीक है, और ये कोड्स किसके होते हैं? ये कोड्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, दीज आर एक्चुअली द कोड्स, ये सारे यहाँ पे कोड्स हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, लाइक ए टी, ओके टी ए, इस तरीके से यहाँ पे आप जो देख रहे हैं दीज आर कोड्स। तो ये जो कोडिंग फॉर्म में इंफॉर्मेशन है ये डीएनए जो है कैरी करके चलता है। ठीक है, और ये जो इंफॉर्मेशन है जेनेटिक कोड की, ये क्या बेसिस करते हैं? ये बेसिस रखते हैं प्रोटीन फॉर्मेशन का, यानी कि डीएनए जो है ये बाद में ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद में ये कोडेड इन्फॉर्मेशन को एमआरएनए के फॉर्म में लेके जाएगा। अब एमआरएनए के पास में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन होगी, एमआरएनए इज़ ए मैसेंजर आरएनए, और ये मैसेंजर आरएनए जो ये न्यूक्लियोटाइड्स, ये ट्रिपलेट कोड है, दिस ट्रिपलेट कोड, ये रीड आउट किया जाता है और ये ट्रांसक्रिप्शन के बाद में इसका ट्रांसलेशन होता है, और ये कोडिंग रीडिंग करने के बाद में अमाइनो एसिड्स के रेसिड्यूज को इकट्ठा करती हैं इन कोडिंग को रीड करके, और क्या फॉर्म करती हैं? प्रोटीन का फॉर्मेशन करती हैं। ओके, सो इस तरीके से एक डीएनए से जो इन्फॉर्मेशन है वो एमआरएनए के थ्रू, यानी कि मैसेंजर आरएनए के थ्रू जाती है, और डिफरेंट जो अमाइनो एसिड रेसिड्यूज हैं उन सबको इकट्ठा करके प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है, और ये प्रोटीन बॉडी में जाके डिफरेंट अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करता है। ठीक है, सो डीएनए इज़ अ जेनेटिक मटेरियल जो कि क्या कैरी कर रहा है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहा है इन कोडिंग फॉर्म, कोड्स के फॉर्म में। ठीक है, अब ये कैसे पता चला कि डीएनए जो है एक जेनेटिक मटेरियल है? ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट था वहाँ पे वो था, किन्होंने दिया था एक्सपेरिमेंट? वाज गिवन बाय ग्रिफ्थ। इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था इन 1928। ठीक है, उसके बाद में अब इसमें क्या किया था उन्होंने, इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे स्टडी किया था। तो बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन वाज
स्टडीड बाय ग्रिफिथ. किस तरीके से बैक्टीरिया जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गया. तो ये अक्सर एग्जाम्स में इन्हीं पे एमसीक्यूज बनते हैं. ठीक है, तो आपसे या तो साइंटिस्ट का नाम पूछ लिया जाएगा कि बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्मेशन किस साइंटिस्ट ने स्टडी किया था, या आपको उसका ईयर पूछ सकते हैं कि किस ईयर में बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन जो है ग्रिफिथ ने स्टडी किया था. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको याद रखनी है. और साथ ही साथ में वो ये पूछ सकते हैं कि यहाँ पर उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो स्ट्रेन लिए थे वो क्या थे, किसके स्ट्रेन थे. तो स्ट्रेन जो था वो उन्होंने जो स्टडी के लिए जो मटेरियल लिया था, जो ऑर्गेनिज्म लिया था वो क्या था, दैट वाज डिप्लोकोकस निमोनिया. ठीक है, यानी कि ऐसा बैक्टीरिया जो कि निमोनिया कॉज करता है. सो दैट वाज द डिप्लोकोकस निमोनिया. ठीक है, नाउ इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया. इसे हम ये भी कह सकते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया. दोनों ही नाम जो हैं सेम ही हैं. ठीक है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, एक तो नेम ऑफ साइंटिस्ट, ईयर ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड क्या परफॉर्म किया था एक्सपेरिमेंट, और उसमें स्ट्रेन जो है वो कौन से लिए थे. दीज आर इम्पॉर्टेंट पार्ट. ठीक है, अब यहाँ पे जो स्ट्रेन लिया था इन्होंने, डिप्लोकोकस निमोनिया का जो स्ट्रेन लिया था उसमें इन्होंने दो डिफरेंट तरीके के स्ट्रेन लिए थे, टू डिफरेंट. अब किस फॉर्म में अगर हम देखें कि किस तरीके से डिफरेंट थे, तो किस तरीके से डिफरेंट थे, एक जो स्ट्रेन था दैट स्ट्रेन वॉज वायरुलेंट स्ट्रेन. ठीक है, यानी कि ये इन्फेक्शन कॉज कर रहा था, विच कॉजेज निमोनिया. इट कॉजेज निमोनिया. नेक्स्ट, दूसरा जो स्ट्रेन था दैट स्ट्रेन वॉज नॉन वायरुलेंट, और इससे क्या था, इट डज नॉट कॉजेस निमोनिया. इससे निमोनिया नहीं होता था. ठीक, ये दो तरीके के स्ट्रेन इन्होंने स्टडी किए. अब वायरुलेंट जो स्ट्रेन था, ठीक है, इसके पास में क्या था, वायरुलेंट स्ट्रेन के पास में यानी कि इस बैक्टीरियम के पास में एक स्पेशल चीज़ थी. क्या थी, दैट वॉज इट्स कैप्स्यूल लेयर. इसके पास में कैप्स्यूल की एक लेयर थी वायरुलेंट स्ट्रेन के पास में. दैट्स वाई इट वॉज ऑल्सो नोन एज एस स्ट्रेन. ओके, दिस वॉज ऑल्सो नोन एज एस स्ट्रेन. ओके, देन उसके बाद में जो यहाँ पे नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन था, नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन के पास में किसी भी कैप्स्यूल की वॉल नहीं थी, सो दैट वॉज नोन एज रफ स्ट्रेन. ओके, अब ये जो कैप्स्यूल की वॉल थी स्मूथ स्ट्रेन के ऊपर, यानी कि कैप्सुलेटेड था, स्मूथ वॉल था, ये जो था इसके ऊपर जो ये लेयर प्रेजेंट है, ये एक पॉलीसेक्राइड से बनी हुई कैप्स्यूल थी. ठीक है ना, किससे मिलके बनी हुई थी, पॉलीसेक्राइड. हम जब बैक्टीरियल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि कुछ बैक्टीरिया के पास में क्या होता है, स्लाइमी कवरिंग होती है ऊपर. ठीक है, या उनके ऊपर कैप्स्यूल की वॉल होती है और किसी किसी के ऊपर नहीं होती है. तो यहाँ पे इस बैक्टीरियल स्ट्रेन के पास में कैप्स्यूल की वॉल है, पॉलीसेक्राइड से बनी हुई क्या है, कैप्स्यूल है, और रफ स्ट्रेन के पास में क्या है, इस तरीके की कैप्स्यूल एब्सेंट है. अब देखते हैं कि इससे हो क्या रहा है, इस कैप्स्यूल से क्या होने वाला है. तो ये जो पॉलीसेक्राइड की जो कैप्स्यूल है,
ये क्या करती, इट प्रोटेक्ट्स, किसको प्रोटेक्ट करती, इट प्रोटेक्ट्स बैक्टीरियम, ठीक है, ये इसको प्रोटेक्ट करती है। किससे प्रोटेक्ट करने वाली है, अब ये प्रोटेक्ट करने वाली किसी भी तरीके की जो आउटसाइडर जो सोर्सेस हैं जो इसके ऊपर अटैक करेंगे बैक्टीरिया के ऊपर, उनसे बचाने के लिए हेल्प करेगी। अब इस एक्सपेरिमेंट में ग्रिफ ने क्या किया है, ठीक है, ये स्ट्रेन लिया, एक आपका स्मूथ वॉल और रफ वॉल स्ट्रेन, इन दोनों स्ट्रेन को लेके उन्होंने एक माइस में क्या किया, उसको इंजेक्ट करवाया, ठीक है, इंजेक्ट कराया। इंजेक्ट कराने के बाद में, अच्छा इससे पहले अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो स्ट्रेन्स हैं, इन स्ट्रेन्स के डिफरेंट सीरो टाइप्स होते हैं, ठीक है ना, तो डिप्लोकोकस निमोनिया के सीरो टाइप्स हैं। सीरो टाइप्स में यहाँ पे जैसे कि हम एग्जांपल की बात करें, जैसे कि स्मूथ की बात करें तो 1S, 2S, 3S, इस तरीके से इनके डिफरेंट सीरो टाइप्स होते हैं। रफ में आप देखेंगे तो दीज टाइप्स ऑफ सीरो टाइप्स आर देयर। तो इनमें से कौन सा सीरो टाइप जो है वो ग्रिफ ने सेलेक्ट किया था, तो ग्रिफ ने कौन कौन से सेलेक्ट किए थे, ग्रिफ ने सेलेक्ट किए थे यहाँ पे स्मूथ के लिए उन्होंने सेलेक्ट किया था थर्ड टाइप, ओके, और रफ के लिए उन्होंने सेकेंड टाइप ऑफ सीरो टाइप्स जो हैं सेलेक्ट किए थे, दीज वर सेलेक्टेड बाय ग्रिफ। ठीक है, फॉर एक्सपेरिमेंट, ओके। अब क्या हुआ है, ये जो दो स्ट्रेन है, इन दोनों स्ट्रेन को उन्होंने सेपरेटली स्टडी करना शुरू किया। सेपरेटली स्टडी किया तो स्मूथ वॉल जो था, जिसके पास में क्या था, इसके पास में पॉलीसेक्राइड की कैप्सूल थी, ठीक है, इस वजह से इसके ऊपर किसी भी तरीके का बाहरी जो भी अटैक है वो इसके ऊपर नहीं हो पा रहा था, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया था ये, ओके, दैट वॉज अ कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। इसके बाद में अब इस स्ट्रेन को उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंजेक्ट किया, इंजेक्ट किया किसके ऊपर, एक माइस के ऊपर, ठीक है, एक माइस के ऊपर उन्होंने इंजेक्ट किया। इट वॉज इंजेक्टेड। अब क्या हुआ, ये जो कैप्स्यूल की जो ऊपर लेयर थी पॉलीसेक्राइड से बनी हुई, ये क्या कर रही थी, बैक्टीरिया को बचा रही थी। इसके अंदर जैसे बैक्टीरिया एंटर करते हैं, ये कैप्स्यूल की वॉल जो है ये बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। किससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, यहाँ पे क्या है, फैगोसाइटिक सेल्स, जो माइस के अंदर फैगोसाइटिक सेल्स थे जो कि यहाँ पे इसको इनगल्फ करने के लिए आ रहे थे, वो क्या कर रहे थे, ये कैप्स्यूल की वॉल की वजह से इसे इनगल्फ नहीं कर पा रहे थे, यानी कि बैक्टीरिया को ख़त्म नहीं कर पा रहे थे। इससे क्या होता है, इससे जो माइस है वो इन्फेक्टेड हो जाता है, ठीक है, माइस इन्फेक्टेड हो जाता है, यानी कि ये जो स्ट्रेन है ये क्या है, वायरुलेंट स्ट्रेन था, वायरुलेंट स्ट्रेन था, ठीक है, मीन्स दिस थर्ड सीरो टाइप वाला जो स्ट्रेन है दैट वाज अ वायरुलेंट स्ट्रेन। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर पॉलीसेक्राइड की कैप्स्यूल लेयर प्रेजेंट है, जिस वजह से जो यहाँ पे आप फैगोसाइटिक सेल्स देख रहे हैं वो क्या नहीं कर पा रहे हैं, इसे इनगल्फ नहीं कर पा रहे हैं, इसकी फैगोसाइटोसिस नहीं कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया, माइस को क्या हो गया, निमोनिया हो गया, क्या हो गया इसको, अब इसको निमोनिया हो चुका है और ये डेड हो गया, नाउ माइस वॉज डेड। अब क्या होता है, इन्होंने ये देखा कि ये आप रफ वाला देखते हैं, रफ वाले के पास में क्या था, किसी तरीके की कैप्स्यूल की वॉल नहीं थी इसके पास में। अब ये किसी दूसरे माइस के ऊपर इसे इंजेक्ट करके देखते हैं क्या होता है, इसको इसमें इंजेक्ट कराया,
अब क्योंकि इसके पास में किसी भी तरीके की क्या नहीं थी, कोई भी प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं थी, तो ये जो फैगोसाइटिक सेल्स थे, ये जो फैगोसाइटिक सेल्स थे, इन्होंने इसको क्या कर लिया, एनगल्फ कर लिया। फैगोसाइटिक सेल्स ने इसे एनगल्फ कर लिया और ये जो बैक्टीरियल सेल्स थे ये ख़त्म हो गए। अब ये बैक्टीरियल सेल्स ख़त्म हो गए तो क्या हुआ, माइस जो था वो अनइन्फेक्टेड रह गया। अनइन्फेक्टेड रहने की वजह से क्या पता चला कि ये जो स्ट्रेन था, दैट स्ट्रेन वॉज नॉन वायरुलेंट। ठीक है, तो सेकेंड जो स्ट्रेन था रफ वाले का, दैट वॉज नॉन वायरुलेंट, यानी कि यहाँ पे उन्होंने निमोनिया कॉज नहीं किया। सो नो निमोनिया वॉज कॉज्ड। सो यहाँ पे माइस जो था वो सर्वाइव कर गया। अब इससे ये समझ में आया कि जो स्ट्रेन है, एक वायरुलेंट और एक नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन है। अब यहाँ पे इसके बाद में बात आती है कि ट्रांसफॉर्म कैसे हो रहा है बैक्टीरिया, क्या चीज़ है जो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर रही है इसको। तो अब इन्होंने स्मूथ वाला जो स्ट्रेन था, जिसे पता था कि ये एक वायरुलेंट स्ट्रेन है, इस स्ट्रेन को लिया। ठीक है, इस स्ट्रेन को लिया इन्होंने, वायरुलेंट वाले स्ट्रेन को लिया इन्होंने और क्या किया, इसको हीट किल्ड किया। क्या किया, हीट किल्ड। हीट किल्ड करने के बाद में बैक्टीरिया तो मर गया, ऊपर से बैक्टीरिया ख़त्म हो गया। ठीक है, उसकी सारी वॉल सारी ख़त्म हो गई, पर यहाँ पे ये जो मिक्सचर था जिसमें इन्होंने हीट किल्ड बैक्टीरिया रखा हुआ था, ठीक है, ये जो बैक्टीरिया था हीट किल्ड हुआ। अब इस सॉल्यूशन को इन्होंने क्या किया, इन्होंने मिक्स किया किसके साथ में, इन्होंने मिक्स किया जो रफ वॉल्ड वाले जो बैक्टीरिया थे, यानी कि जो नॉन वायरुलेंट थे, दीज वर नॉन वायरुलेंट। और ये जो था ये वायरुलेंट था, पर अब इसमें हीट किल्ड कर लिया गया, इसको हीट किया है। अब इन दोनों को इन्होंने क्या किया, मिक्स किया। ठीक है, अब इनकी मिक्सिंग हो गई, तो यहाँ पे नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया, यानी कि नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन, और साथ में क्या किया इन्होंने, हीट किल्ड जो यहाँ पे इन्होंने जो एस टाइप ऑफ जो स्ट्रेन था, यानी कि वायरुलेंट जो स्ट्रेन था, वो मिक्स कर दिया। इन दोनों को मिक्स करने के बाद में क्या होता है, अब इन्होंने ये देखा कि ये जो मिक्सचर बन रहा है, इस मिक्सचर में नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन जो निमोनिया नहीं करता है, पर यहाँ पे हीट किल्ड स्ट्रेन को मिक्स किया गया। और ये हीट किल्ड स्ट्रेन को एक बार इन्होंने पहले चेक कर लिया कि अगर हम इसको माइस के ऊपर इन्फेक्ट कराते हैं तो क्या होता है। इसको अगर माइस में अगर हीट किल्ड वाले को ये इन्फेक्शन कराते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पे क्योंकि इसकी जो पॉलीसेक्राइड की लेयर थी, अगर हम देखते हैं कि ये जो बैक्टीरिया था और इसके ऊपर जो पॉलीसेक्राइड की लेयर थी वो ब्रेक हो गई थी, वो यहाँ पे हीट के साथ में ब्रेक हो गई थी। तो अब यहाँ पे जो ये स्ट्रेन आता है, तो ये जो अब यहाँ पे इन्फेक्शन करने के लिए आ रहा है, तो माइस जो है वो अब वायरुलेंट नहीं रह जाता है, ठीक है, नॉन वायरुलेंट हो जाता है। तो हीट किल्ड अगर सैंपल आप यूज़ कर रहे हैं, हीट किल्ड वाला, तो मस्ट बी इसका जो पॉलीसेक्राइड लेयर है वो टूट चुकी होगी। तो बैक्टीरिया अब क्या है, अब बैक्टीरिया यहाँ पे इन्फेक्शन नहीं कर पाएगा, तो नॉन इन्फेक्शियस हो जाएगा। और नॉन इन्फेक्शियस में क्या होगा, जो माइस होगा वो सर्वाइव कर जाएगा। ठीक है, माइस यहाँ पे सर्वाइव कर जाएगा, यानी कि इसको निमोनिया कॉज नहीं होगा, नो निमोनिया वॉज कॉज। अच्छा,
तो ये इन्होंने चेक कर लिया कि हीट किल करने के बाद में अब ये जो एस स्ट्रेन है यानी कि जो वेरुलेंट स्ट्रेन है ये अब नॉन वेरुलेंट में वेरुलेंट जो है अब कन्वर्टेड इनटू नॉन वेरुलेंट इन द सेंस इसलिए क्योंकि यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि ये जो है हीट किल्ड हो चुका है तो अब इसकी एबिलिटी जो थी इन्फेक्शन करने की वो ख़त्म हो गई है। ठीक है, अब क्योंकि बैक्टीरिया ही हीट हो करके ख़त्म कर दिया है तो अब वो कैसे आगे अपनी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म करेगा, इन्फेक्शन करेगा। पर अब ये वाला इन्होंने देखा कि जब मिक्स करने के बाद में ये किसी माइस के ऊपर अब ये इन्फेक्शन कराते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या देखा, अब यहाँ पे माइस लेते हैं, और इसमें ये इन्फेक्शन कराते हैं। तो इसमें जब इन्फेक्शन कराते हैं तो इसके पास में क्या क्या है, बैक्टीरिया जो यहाँ पे इन्होंने लिया था जो कि रफ वॉल था, यहाँ पे ये बैक्टीरिया अब क्या हो चुका है, इट इज़ टोटली ट्रांसफॉर्म्ड। आप कह सकते हैं कि ये बैक्टीरिया जो है ये ट्रांसफॉर्म हो चुका है। कैसे ट्रांसफॉर्म हो गया है, क्योंकि इसने अपने ऊपर अब कैप्सूल जो है वो जनरेट कर ली है। किसने जनरेट कर लिए, नॉन वायरलेंट स्ट्रेन ने, यानी कि जो सेकेंड स्ट्रेन जो रफ वॉल स्ट्रेन था इट वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इंटू स्मूथ टाइप ऑफ स्ट्रेन, यानी कि नॉन वायरलेंट से इट वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इंटू वायरलेंट। अब क्योंकि ये वायरलेंट में ट्रांसफॉर्म हो चुका है तो अब माइस को जो है इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फेक्शन हो गया और निमोनिया हो गया, और माइस जो है वो डेड हो गया। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखने को मिली, देखने इन ऑल टोटल अगर हम देखा जाए तो हमने ये देखा कि अगर हम लाइव रफ वॉल्ड स्ट्रेन को यूज़ करते हैं, ठीक है, यानी कि नॉन वायरलेंट और नॉन कैप्सुलेटेड, तो क्या होता है, तो अगर आप किसी माइस में इन्फेक्शन करते हैं, माइस में अगर इन्फेक्शन होगा तो माइस क्या होगा, क्या होने वाला है, यहाँ पे माइस जो है वो सरवाइव करेगा। ठीक, उसके बाद में अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि किसी आप लाइव स्मूथ वॉल्ड स्ट्रेन को लेते हैं, यानी कि ये एक वायरलेंट स्ट्रेन है, ठीक है, वायरलेंट स्ट्रेन है और साथ में क्या है, कैप्सुलेटेड है, यानी कि इसके पास में पॉलीसेक्राइड की कैप्सूल प्रेजेंट है। अब जब इसका इन्फेक्शन कराते हैं माइस में, जब माइस में इसका इन्फेक्शन होता है तो क्या होता है, ठीक है, इसका अगर इन्फेक्शन अगर इंजेक्ट कराते हैं माइस के ऊपर तो माइस क्या होता है, माइस जो है वो डेड हो जाता है, डाइज। ठीक है, फिर हमने क्या चीज़ें और देखी, हीट किल्ड अगर आप स्मूथ वॉल्ड का स्ट्रेन लेते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ पे माइस जो है सरवाइव कर जाता था। ठीक, ये हो जाता है। और अगर इसी हीट किल्ड स्ट्रेन को, यानी कि ये हीट किल्ड स्ट्रेन जिससे अब इन्फेक्शन नहीं हो रहा है, इसको अगर हम मिक्स कर देते हैं लाइव
रफ वाले स्ट्रेन के साथ में, तो क्या होता है, तो यहाँ पे अब आप इन्फेक्शन कराते हैं तो क्या होगा, माइस जो है फिर डेड हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, इससे कंक्लूजन क्या निकला, इस बात से, इस एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन ये निकल रहा है कि हीट किल्ड जो स्मूथ वॉल बैक्टीरिया था, दैट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग लाइव ए वायरुलेंट स्ट्रेन को वायरुलेंट बनाने में। यानी कि बात क्या हुई, कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन वाज दैट कि कोई भी हीट किल्ड, ठीक है, हीट किल्ड वाला जो आपका स्मूथ वॉल स्ट्रेन है, यानी कि वायरुलेंट स्ट्रेन है, ये ट्रांसफॉर्म कर रहा है, ये क्या कर दे रहा है, हीट किल्ड जो स्मूथ वॉल स्ट्रेन है, जो ये स्ट्रेन जो है, ये क्या कर रहा है, ये कन्वर्ट कर रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है किसको, ये नॉन वायरुलेंट था एक्चुअली, क्या कहते हैं, हाँ, ये नॉन वायरुलेंट जो स्ट्रेन है उसको, नॉन वायरुलेंट जो रफ वॉल स्ट्रेन है इसको ट्रांसफॉर्म कर दे रहा है इनटू वायरुलेंट। यानी कि जो रफ वॉल्ड यहाँ पे स्ट्रेन था वो अब वायरुलेंट में चेंज हो चुका है। तो यानी कि यहाँ पे हीट किल्ड स्मूथ टाइप ऑफ जो स्ट्रेन था उसमें ऐसा कुछ था जो कि इससे क्या कर रहा है, पास होके चला गया, यानी कि कोई जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्मूथ टाइप वाले स्ट्रेन में से, भले यहाँ पे हीट किल्ड हो गई, वो बच गया, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है हीट किल्ड नहीं हुई स्मूथ टाइप ऑफ जो स्ट्रेन था उसमें से, और वो क्या हुई, वो चली गई किसके पास में, यहाँ पे रफ वाले के पास में, ठीक है, रफ वाले स्ट्रेन के सेल्स के पास में जाके उसको क्या कर दिया, उसने ट्रांसफॉर्म कर दिया और उसे वायरुलेंट बना दिया। तो इस प्रोसेस को, इस फिनोमिनन को, जहाँ पे एक रफ टाइप ऑफ नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इन वायरुलेंट स्ट्रेन, ठीक है, दिस फिनोमिनन इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। और क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एक बैक्टीरियल स्ट्रेन लिया था तो ये कहलाया आपका बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और जो यहाँ पे उन्होंने देखा कि क्या कोई चीज़ है जो इसे ट्रांसफ़र कर रही है, वो ये नहीं बता पाए थे कि वो क्या था जिसने ये ट्रांसफॉर्मेशन किया, तो उन्होंने इसे क्या कह दिया, दैट वाज अ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, कि कोई यहाँ पे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था, क्या था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दैट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन, कौन सा था नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन, रफ वाला, ठीक है, रफ वाला जो था नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन इनटू वायरुलेंट, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक डीएनए को ये बताने के लिए, अभी यहाँ पे ये आइडेंटिफाई नहीं हुआ था कि डीएनए ही जो है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, अभी तो शुरुआत में ग्रिफ ने एक्सपेरिमेंट यही करके परफॉर्म किया कि यहाँ पे उन्होंने ये देखा कि जो स्ट्रेन वायरुलेंट था, यानी कि यहाँ पे जो स्मूथ कैप्सूल्ड वॉल वाला जो एक निमोनिया कॉज करने का एक वायरुलेंट स्ट्रेन था, इसको आप हीट किल्ड कर दो और मिक्स कर दो किसी नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन के साथ में, तो हीट किल्ड करने के बाद भी ऐसा कोई यहाँ पे प्रिंसिपल है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, जो कि जाके नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर देता है और उसको भी वायरुलेंट बना देता है, ठीक है। तो
तो वो अब नहीं बता पाए कि ऐसा ये ट्रांसफॉर्मिंग जो यहाँ पे सब्सटेंस था या कोई मटेरियल था वो क्या था, तो उन्होंने इसे बस कह दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इसके बाद में अब इसी एक्सपेरिमेंट को आगे अगर बात करें तो सेकेंड में यहाँ पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होता है, एंड इस एक्सपेरिमेंट में किन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था यहाँ पे इन 1944 यहाँ पे ओसवाल्ड एवरी कोलिन मैक्लियोइड एंड मैकार्टी इन्होंने ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट को रिवाइज किया और वो ये जानना चाहते थे कि वो जो ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल था, जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की बात कर रहे थे ना कि वो रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसफॉर्म करने के लिए, तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो था या जो मटेरियल था वो क्या है, ठीक, तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। अब एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म किए, इन्होंने वही स्ट्रेन्स लिए सारे, ठीक है, वायरलेंट स्ट्रेन लिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया में से, दोनों स्ट्रेन लिया, वायरलेंट स्ट्रेन लिया, ए वायरलेंट स्ट्रेन लिया, ठीक है। तो अब इन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया ये जानने के लिए कि इसमें से कौन सा पार्ट है जो कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, तो उन्होंने पहले क्या लिया, उन्होंने रफ वाला जो है उन्होंने यहाँ पे पहले ले लिया, तो रफ स्ट्रेन लिया है उन्होंने, अब रफ स्ट्रेन को लेके इन्होंने क्या किया, ये जो सेल्स थे इनको लिया और चेक किया कि यहाँ पे कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, नो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक। अब इन्होंने क्या करके देखा कि इसी रफ वाले स्ट्रेन को इसमें इन्होंने क्या किया, स्मूथ वॉल्ड वाला जो स्ट्रेन है यानी कि वायरलेंट स्ट्रेन, अब ये तो हम देख ही चुके थे कि वायरलेंट स्ट्रेन अगर हीट किल्ड वाला भी अगर आप डालते हैं तो वो उसे ट्रांसफॉर्म कर देता है, पर ये नहीं पता था कि वो बैक्टीरिया का जो स्मूथ वॉल्ड बैक्टीरिया उसका वो कौन सा पार्ट था जिसने ट्रांसफॉर्म कर लिया। तो इन्होंने क्या किया, इस बैक्टीरिया का डीएनए का स्ट्रेन लिया, मतलब डीएनए एक्सट्रैक्ट लिया, ठीक। अब इन्होंने देखा कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, यानी कि ये जो नॉन वायरलेंट है इसके साथ में डीएनए एक्सट्रैक्ट के साथ में वायरलेंट डीएनए एक्सट्रैक्ट के साथ में ट्रांसफॉर्म होके वायरलेंट बन गया, ठीक। अब मतलब यहाँ पे ये बात समझ में आ रही है कि यानी कि ये जो डीएनए है ये शायद यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, ठीक। उसके बाद में इन्होंने और इसको क्या कहते हैं जज करने की कोशिश की कि देखते हैं कि डीएनए ही है या गलती से ऐसे आया है, तो उन्होंने सेकेंड में क्या देखा, उन्होंने ठीक है ले लिया यही चीज़ लिया, रफ वाला लिया है, रफ स्ट्रेन लिया जो कि नॉन वायरलेंट स्ट्रेन है, इसमें इन्होंने थर्ड टाइप ऑफ जो आपका स्मूथ वॉल्ड स्ट्रेन है, ठीक है, इसको लिया, मतलब इसका डीएनए एक्सट्रैक्ट लिया क्योंकि अभी इन्होंने देखा था कि ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, तो एग्जैक्टली अब देखना है इनको कि हाँ डीएनए से ही हुआ था या कहीं और कोई चीज़ है। अब इन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, इन्होंने डीएनएज ले लिया एंजाइम, यानी कि अब ये क्या करेगा, ये डीएनए को ब्रेक करेगा, डीएनएज क्या करेगा, इसको तोड़ेगा, इसको डिग्रेड करेगा, ठीक है, इसको क्या करेगा, डिग्रेड करेगा, ब्रेक करेगा। अच्छा,
अगर ये डीएनए को ब्रेक कर देगा तब देखते हैं क्या होता है। तो देखा इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, नो ट्रांसफॉर्मेशन। इससे क्या मतलब हुआ, अब इनको और पक्का हो गया कि हाँ भाई, क्योंकि डीएनए इन्होंने तोड़ दिया था इस एक्सट्रैक्ट को, डीएनए इसको लेके, तो इसका मतलब ये डीएनए ही रिस्पॉन्सिबल था ट्रांसफॉर्मेशन कराने के लिए, जो यहाँ पे अभी इन्होंने देखा था कि डीएनए का एक्सट्रैक्ट जो है दिया था तो ट्रांसफॉर्मेशन किया था। अब ये चीज़ यहाँ फाइनलाइज हो गई। अब इन्होंने फिर और आगे और किसी तरीके के क्रिटिक्स ना आए तो वो इन्होंने और आगे इसको परफॉर्म करने की कोशिश की। क्या देखा इन्होंने, तो इन्होंने फिर क्या लिया, फिर इन्होंने सेकंड टाइप में इन्होंने रफ वॉल्ड वाला लिया है यहाँ पे। उसके बाद में इन्होंने क्या मिक्स किया है, उसके बाद में इन्होंने मिक्स किया है स्मूथ टाइप ऑफ लिया है, स्ट्रेन लिया, जिसमें उन्होंने डीएनए का एक्सट्रैक्ट लिया, ठीक है, प्लस इन्होंने क्या लिया, आरएनएज, यानी कि ये देख, अब ये आरएनएज क्या करेंगे, यहाँ पे आरएनए जो है उसको ब्रेक करेंगे, ठीक है, उसको ब्रेक करेंगे, डीएनए को तो ब्रेक करेंगे नहीं, आरएनएज हैं तो ये इसे ब्रेक नहीं कर पाएंगे डीएनए को, ये डू नॉट ब्रेक डीएनए, यानी डीएनए बच गया। तो डीएनए बच गया तो यहाँ पे क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, क्या हो गया यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स, यानी कि फिर अब यहाँ पे ये पता चलता है कि डीएनए जो है वही कर रहा है। फिर एक बार इन्होंने चेक किया, देखते हैं प्रोटीन को चेक करके देखते हैं यहाँ पे, तो इन्होंने फिर यहाँ पे लिया स्ट्रेन, फिर इन्होंने क्या लिया, फिर इन्होंने यहाँ पे स्मूथ वॉल स्ट्रेन लिया, उसका डीएनए एक्सट्रैक्ट लिया, ठीक है, प्लस इन्होंने क्या लिया, प्रोटीएज लिया। अब प्रोटीएज का काम क्या है, प्रोटीएज का काम तो भाई प्रोटीन को ब्रेक करने का है, डीएनए को तो नहीं करेगा, तो अब यहाँ पे सॉल्यूशन में प्रोटीन टूटे होंगे, डीएनए तो नहीं टूटेगा, आरएनए से आरएनए टूटेगा, डीएनए तो नहीं टूटेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या रिजल्ट आता है, क्या आना चाहिए, यहाँ पे फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, हुआ ट्रांसफॉर्मेशन। तो किस किस जगह पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आप जब पूरा डीएनए का एक्सट्रैक्ट ले रहे हैं तो ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है, यानी कि डीएनए इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द बैक्टीरियल स्ट्रेन। पर आप अगर डीएनए से डीएनए को आप तोड़ देंगे, ब्रेक कर देंगे, तो डीएनए वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि किसी भी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। पर इसको फिर रीचेक करके देखते हैं कि अगर आप आरएनएस के साथ में ट्रीटमेंट कराते हो तो आरएनएस तो आरएनए को ब्रेक करेगा ना, डीएनए को तो नहीं करेगा, तो डीएनए रह जाएगा, तो डीएनए रह जाएगा तो वो फिर क्या कर पाएगा, वो फिर यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन कर देगा। फिर उन्होंने प्रोटीएज से करके देखा, तो प्रोटीएज किसको ब्रेक करेगा, प्रोटीन को करेगा, डीएनए को तो यहाँ पे कर नहीं रहा है, ठीक, तो फिर यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो जा रहा है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, इससे कंक्लूजन ये निकला कि डीएनए ही वो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए ही वो ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल है जिसने क्या किया है, बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म किया है, ठीक है। बट इसके बाद में भी कुछ साइंटिस्ट का कहना था कि डीएनए के साथ में जो कुछ अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है साथ में, हो सकता है उस प्रोटीन की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ हो, ये हो सकता है। अच्छा, तो अब इस चीज़ को और कंफर्म करने के लिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हर्शीज एंड चेज ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, ठीक है, इनका एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं। तो हर्शीज एंड चेज ने, इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया इन 1952,
ठीक है। अब उन्होंने प्रॉपरली आइडेंटिफाई करके बताया कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, पर किसका, किस में आइडेंटिफाई किया है, इन फेजेस, यानी कि बैक्टीरियोफेज में। बैक्टीरियोफेज में इन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। क्यों, अब उन्होंने फेज क्यों लिया था, वो भी उसको ले लेते, निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया को ले लेते, तो निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया के पास में भाई जेनेटिक मटेरियल भी था, उनका अपना प्रोटीन भी, कोटिंग थी उसमें, लिपिड भी होगा उसमें, आरएनए भी है, ये सारी चीज़ें थी, तो इन सारे कंपोनेंट्स को अलग अलग से चेक करने में कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही थी। तब जब बात चली रही है कि डीएनए है, यहाँ तक पहुँच गई थी कि डीएनए है कि प्रोटीन है, तो उन्होंने सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ एग्जाम्पल में फेज लिया, ठीक है। फेज यानी कि ऐसा वायरस है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, और बड़ा ही सिंपल तरीके का वायरस है। क्या होता है इसके पास में, एक तो इसके पास में प्रोटीन की कोटिंग होती है, ठीक है, और दूसरा इसके पास में होता है इसका जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल क्या होता है इसके पास में, डीएनए। तो अब हम प्रोटीन और डीएनए में से अब डिस्टिंग्विश आराम से कर सकते हैं कि भाई जो भी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है वो क्या है, ठीक। तो अब इन्होंने क्या यूज़ किया, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में बड़ी स्पेशल चीज़ें यूज़ की हैं। वो क्या स्पेशल चीज़ें यूज़ की, उन्होंने यूज़ किए थे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, ठीक है, ये यूज़ किए उन्होंने। और इसमें उन्होंने कौन कौन से आइसोटोप्स यूज़ किए थे, उन्होंने रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स में किस कौन से आइसोटोप्स यूज़ किए थे, एक तो सल्फर, सल्फर आइसोटोप यूज़ किया था, और दूसरा किया था उन्होंने फॉस्फोरस। और ऐसा क्यों किया था उन्होंने, ऐसा इसलिए किया था, इन दोनों को इसलिए चुना था। अब सल्फर में कौन सा था, सल्फर में उनके पास में S35 टाइप ऑफ आइसोटोप था, और फॉस्फोरस में उनके पास में P32 टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप था। ये दोनों आइसोटोप इन्होंने यूज़ कर रखे थे, ऐसे हम इनको अलग थोड़े उससे डिस्टिंग्विश कर लेते हैं, ये इन्होंने यूज़ किए थे। अब इन्हीं दोनों को क्यों यूज़ किया, क्या कारण था, कोई दूसरा एलिमेंट यूज़ कर लेते, नहीं, तो इन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि इनको मालूम था कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन आपका बना हुआ होता है किससे, प्रोटीन किससे मिलके बना होता है, प्रोटीन इज़ मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड, इससे मिलके बना होता है, और बहुत से अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनके पास में क्या होता है, सल्फर होता है, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स। होते हैं, ठीक। और आपके पास में जो यहाँ पे प्रोटीन के अलावा यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है, तो जेनेटिक मटेरियल जो है वह डीएनए। तो डीएनए के पास में क्या होता है, डीएनए के पास में फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है, और अमाइनो एसिड के पास में फॉस्फोरस नहीं होता, और डीएनए के पास में सल्फर नहीं होता है। तो अगर ये फॉस्फोरस वाला आप अगर ऐड कर रहे हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप, तो वो प्रोटीन के साथ में नहीं लगेगा, और ये सल्फर वाला जो आइसोटोप आप यूज़ कर रहे हैं ये डीएनए के साथ अटैच नहीं होगा। तो कारण ये था, एक तो अटैचमेंट इनकी जो एफिनिटी है अपने अपने मॉलिक्यूल के साथ में वो अच्छी है, और दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में ये अटैच नहीं हो सकते, तो इन्होंने ये दो रेडियो एक्टिव आइसोटोप सेलेक्ट किए। अब इन्होंने क्या किया है इसको, कि इन्होंने फेज डीएनए लिया, ठीक है, फेज लिया, तो फेज को इस इनको क्या कि इन्होंने एक एक करके इन्होंने सेपरेटली इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना शुरू किया, ठीक। अब इन्होंने सबसे पहले तो इन्होंने जो डीएनए लिया है, इसके अंदर डीएनए है, ये फेज ले लिया इन्होंने, बैक्टीरियो फेज ले लिया। अब इसके ऊपर इन्होंने रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो है
वो लगा दिया, तो प्रोटीन के ऊपर लगाया, क्योंकि प्रोटीन के पास में सल्फ़र है, अमाइनो एसिड में सल्फ़र है, तो उन्होंने उसको रिप्लेस करके यहाँ पे एक सल्फ़र रेडियो आइसोटोप यहाँ पे इन्होंने अटैच कर दिया। ठीक, ये अटैच करने के बाद में अब ये सारा क्या हुआ है, इसको इन्फेक्शन कराया किसके ऊपर, इकोलाई के ऊपर कराया, तो इन्होंने इकोलाई के ऊपर इन्फेक्शन कराने के लिए इसको छोड़ दिया। सिंपलेस्ट टाइप ऑफ बैक्टीरिया जिसके ऊपर ये इन्फेक्शन करेगा। ठीक है, अब ये इन्फेक्शन करता है, इसको करने के बाद में ये क्या करते हैं, फिर इसको ये थोड़े देर के लिए फिर सेंट्रीफ्यूग कर देते हैं। ठीक है, अब उसमें इन्होंने क्या देखा कि प्रोटीन कोट जो है वो यहाँ पे आपकी बाहर रह जाती है, ये ऐसे यहाँ पे प्रोटीन कोट बाहर रह जाएगी, और जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया अंदर जेनेटिक मटेरियल के साथ में अलग रह जाते हैं। अब आप जब रेडियो एक्टिविटी के अकॉर्डिंग अगर इसको चेक करते हैं, तो आप उसको चेक करेंगे तो यहाँ पे ये सारे जो प्रोटीन कोटिंग है वो रेडियो एक्टिवली यहाँ पे नज़र आने लगती है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटीन कोट बाहर रह गई है, वो बैक्टीरिया के अंदर नहीं गई, नहीं पहुँची, ये यहाँ पे रह गया। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर दूसरा परफॉर्म किया, दूसरे एक्सपेरिमेंट में इन्होंने देखा कि इस बैक्टीरियोफेज में इन्होंने जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप लगाया वो किस में लगाया, डीएनए में लगाया। डीएनए में उन्होंने फॉस्फोरस एलिमेंट का, जो रेडियो एक्टिव टाइप ऑफ फॉस्फोरस है वो यूज़ किया, इन्होंने इनकॉर्पोरेट कर दिया डीएनए में। डीएनए में काफ़ी जगह पे आपको जो फॉस्फोडाइस्टर्स होते हैं वहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड होता है, फॉस्फोरस होता है, वहाँ पे उन्होंने इसको ऐड कर दिया। ऐड करा के अब इन्होंने इन्फेक्शन कराया बैक्टीरिया में। अब जब बैक्टीरिया में इन्फेक्शन कराया, इन्फेक्शन कराने के बाद में थोड़ी देर के बाद में इन्होंने फिर इसको सेपरेट कराया, फिर सेपरेट कराया तो यहाँ पे ऊपर जो प्रोटीन कोट थी वो तो रह गई, अब इसमें तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं थे, ये ऐसे ही रह गए। और यहाँ जो बैक्टीरिया था, ये बैक्टीरिया जो है इसके अंदर क्योंकि जेनेटिक मटेरियल चला गया था और उसके साथ में रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स भी थे, वो यहाँ पे क्लियरली शो हो गए कि यहाँ पे बैक्टीरिया के अंदर क्या हुआ है, बैक्टीरिया के अंदर ये जो जेनेटिक मटेरियल है वही इसके अंदर जाता है। ठीक है, यानी कि बैक्टीरिया के अंदर यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल जा रहा है, तो यानी कि ये प्रूफ हो गया कि यहाँ पे डीएनए ही वो है जो जेनेटिक मटेरियल है जो कि ट्रांसफॉर्म कर रहा था बैक्टीरिया को। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के एक्सपेरिमेंट के साथ में ये परफॉर्म हो गई। ठीक है, अब हाई रेडियो एक्टिविटी इनको कहाँ पे मिल रही थी, यहाँ पे इसको बैक्टीरिया के अंदर मिल रही थी जब इन्होंने डीएनए के साथ पे इसको इनकॉर्पोरेट किया था, यानी कि डीएनए जो है अब यहाँ पे इसमें बैक्टीरियाज में यहाँ पे प्रेजेंट है। और अब ये बैक्टीरिया जो है, मान लीजिए अब ये ग्रो करते हैं और ये इसमें फिर लाइसिस होती है, इस बैक्टीरिया में अगर आप लाइसिस कराते हैं, यानी कि इन्होंने फिर क्या, ये सारे जो फेजेस बने होंगे, ये बैक्टीरिया ने अपना अपना डीएनए यहाँ पे सेंड भेज दिया, अब ये इसकी कॉपी बनी होगी, इसकी कॉपी बनी होगी और बहुत सारे यहाँ पे फिर बैक्टीरियो फेजेस जो हैं वो बन गए होंगे, बहुत सारे बैक्टीरियोफेजेस जो हैं यहाँ पे जब बन के तैयार हो गए, तो अब जब लाइसिस हुई होगी, लाइसिस होने के बाद में बहुत सारे यहाँ पे बैक्टीरियोफेजेस कंटेनिंग रेडियो एक्टिव यहाँ पे कॉपीज़ लेते हुए यहाँ पे इनको देखने को मिले होंगे। इससे ये प्रूव हो गया कि ये जो एक्सपेरिमेंट था, यहाँ पे डीएनए ही है वो जेनेटिक मटेरियल जो कि एक बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। ओके?